प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार अनुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यहाँ पर। और जैसा हम आपको ये बता दें, कल हमने जो है न्यूज़ कवरेज किया था, तो वहाँ पर जो है टान के प्रेसिडेंट साबिर जी ने हमें कॉल करके यहाँ पर बुलाया था, और उनके साथ बातें अनता युवा मोर्चा के सेक्रेटरी की, आप लोग से हम लोग बात भी की है कि आप लोग जो जो तकलीफ था हम लोग सुने हैं। तो सबसे मेन जो आपका मुद्दा था वो पानी का मुद्दा था। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का पानी, जो यहाँ पर जो बोटलिंग फिलिंग स्टेशन जो लगाया गया है, देखिए इसका हालत। देखिए पानी आता भी है, तो दिखाइए ज़रा पानी कैसा आता है, ये देखिए। अरे पानी देखिए, ये पीने लायक है पानी, ये देखिए पानी की हालत देखिए आप। ये पानी अगर कोई पिएगा तो बीमार होना तो मुनासिब है। ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हालत। तो प्लीज़, लगता है इस न्यूज़ के बाद शायद कुछ चेंजेस होगा। बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकला, मैं घर भी नहीं पहुँचा, मैंने रस्ते में विशाल भैया को मैंने कॉल किया। तो मैंने भैया को आप लोग की सारी तकलीफें बताई, तो भैया ने उसी कि गौरव कल का कल, बाकी जो भी समस्या है वो तो हम समाधान करेंगे, मगर जो पानी का समस्या है, पानी से हम लोग किसी को भी मना नहीं करना, पानी के लिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भैया बोले कि जब तक नया एयरपोर्ट टर्मिनल नहीं बनेगा, यहाँ जितना भी पानी होगा वो हमारे विशाल भैया की तरफ से आएगा। और भैया ये भी बोले हैं कि जो बाकी आपकी दिक्कत है वो आप भैया तक डायरेक्टली लेके जाइए। भैया से मिलने के लिए आपको किसी के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे घर में कोई तकलीफ आती है ना, तो अपने बड़े भाई को बोलते हैं भैया ये तकलीफ है, तो बड़ा भाई दूर करता है। विशाल भैया हमारे लिए वो बड़े भैया हैं। तो हमारे पास अगर आप भाइयों की अगर कोई भी तकलीफ है, भैया से आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। पार्टी ऑफिस में भैया का नंबर है, तो आपकी कोई भी तकलीफ आप डायरेक्टली भैया तक जाइए, वो तकलीफ आपकी जरूर दूर होगी। ठीक है भैया, नमस्कार। ये इसी विषय को लेकर हम सेल्वन भी से बात करेंगे, जो हाल ही में जो है प्रेसिडेंट बने हैं। तो सर बताइए। तो सबसे पहले तो मैं विशाल जी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमारे डिमांड को पूरा किया। जो पानी का सुविधा था, सुविधा के लिए हमने बोला था, तो उन्होंने पानी अरेंजमेंट किया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी पानी का सुविधा था, लेकिन उसमें थोड़ा से कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, इसके वजह से वो पानी नहीं मिल पा रहा है बराबर, इसीलिए ये जो है इसका अरेंजमेंट किया गया है। और पहली बात तो ये है कि हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अंडमान निकोबार में टूरिज़्म सेक्टर बहुत बड़ा है, तो इस टूरिज़्म सेक्टर को लेके बहुत सारे इशू हैं, जो हमने थोड़ा लेटर पुट अप किया है और कुछ करेंगे, और ये सर को भी अभी नॉलेज में डाल देंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कब किया है, लेकिन अभी सर को ये बात बताएंगे कि हम लोग को ये सारे जो हम लोग बताएंगे उसको थोड़ा से प्लीज़ पूरा करके दें, क्योंकि हमारे जो लड़के लोग हैं यहाँ पर, जितने भी मतलब टूरिस्ट व्हीकल में गाड़ी चलाते हैं, उनको क्या है कि पार्किंग का सबसे बड़ा समस्या है, कि जहाँ पर भी हमारा टूरिस्ट व्हीकल जहाँ जाता है स्पॉट में, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स हो गया, हाइड्रोजेट्टी हो गया, जैसे कि सेलुलर जेल हो गया, ये सारे जगह में क्या है पार्किंग का प्रॉब्लम है मेन। तो हम लोग इसको बताया भी है कि यहाँ पर पार्किंग बना दीजिए, वहाँ पर पार्किंग बना दीजिए, तो ऐसा भी डिमांड किया है हमने। तो वो
हमको लग रहा है कि आप मुझे ये पूरा करके देंगे। मैं एक लेटर भी पुटअप करके दिया है इससे पहले भी। और जहाँ पर हमारा गाड़ियाँ लगती है जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, तो वहाँ पर क्या है, शॉप्स लगा के रखे हैं, छोटे छोटे जो शॉप्स है पार्किंग एरिया में शॉप लगा के रखे हैं, जहाँ पर हम लोग को गाड़ी खड़ा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके वजह से हमारा चालान भी हो रहा है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर फिनिक्स बे जेटी, वहाँ पर गवर्नमेंट का फेरी आता है, तो वहाँ पर भी ये पार्किंग का इशू है, वहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल। एयरपोर्ट से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे इशूज है, जैसा हमने आपको यहाँ का पार्किंग का बताया था, तो यहाँ में जो पक्षपात हो रहा है, आखिर क्या है, हम ड्राइवर भाइयों से ही जानते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। यहाँ मामला ये है कि यहाँ बहुत सारा गाड़ी ऐसा भी है जो बिना परमिट का जो टूरिस्ट को लेके घूमता वो भी है। अभी जैसे ये गाड़ी अब देखें, ये वाला गाड़ी देखिए, हमेशा CSF का टेंडर में चलते, कोई हेड हो कोई विवेक भैया कोई लिया है बोलता, ये बिना परमिट का, और हमेशा ये ड्राइवर जो है गाड़ी यहीं खड़ा है, हम लोग जब हटाओ वहाँ से आदमी पार भी नहीं हो सकता, और यहीं रखे बिना परमिट का ये टेंडर लेके गाड़ी यहीं चल, महीने में 60,000-1,00,000 रुपये कमाता है हम लोग। ये गाड़ी है कि ये कोई भी कोई अभी सुनने में कोई विवेक भैया कह करके, विवेक करके तो नाम है उनका, नाम में टेंडर है करके, ये तो कमर्शियल है ना। हाँ मतलब परमिट नहीं है, मतलब ये CSF के लिए चलता है। अच्छा। और ये गाड़ी इधर ही रहेगा, कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस आ गया कोई भी आ गया तो भी यहाँ में खड़ा। ये गाड़ी तो इतना ऑक्यूपाई करके रखा है यहाँ पर, अगर आप लोगों का एक छोटा से भी गाड़ी अगर अगर रहेगा तो आप लोगों का तो बराबर हम पर चलान होगा, लेकिन हम टेंडर लिया हुआ है उसको CSF के लिए चलता है बिना परमिट के, इनका पास 2-3 गाड़ी यहीं इसी तरह ही चलता है, और हम लोग जब बिना परमिट का पीला नंबर प्लेट जाएगा तो भी हम लोग रोक देता, लेकिन ये बिना सफेद नंबर प्लेट CSF बोलता नहीं हटाएगा, हमारा CSF का गाड़ी इधर ही रहेगा, तो प्राइवेट गाड़ी है जो बोला ऐसा। यहाँ एक CSF से भी हम एक दिन बोला तो भी हमको यही जवाब दिया, बोला का गाड़ी है, बोला आप लोग गाड़ी ऐसा हटाओ या नहीं रखना, बोल के धमकी दे के भी हम लोग। प्रेसिडेंट है आप बताइए, आप अगर इन लोगों का साथ ना दे, और यहाँ पर जैसा लोग यहाँ पर गाड़ी खुद रखते हैं, और ये जगह अगर आप लोग गाड़ी पार्क करेंगे तो आप लोगों के ऊपर तो चलान हो जाएगा। हाँ है, लेकिन ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का गाड़ी है तो उसमें चलता है करके यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। अथॉरिटी है तो वो क्या उनके लिए अलग रूल है क्या? नहीं, सरकार का गाड़ी तो नहीं है ये सर, ये एक्चुअल में एयरपोर्ट अथॉरिटी का गाड़ी नहीं है, CSF के एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो गाड़ी वो उस पार्क में उनका पार्किंग में खड़ा, ये CSF के लिए टेंडर लिया हुआ गाड़ी, ये टेंडर वाला गाड़ी है, उन लोग टेंडर लेके यहाँ उस लोग को चलाने के लिए देता है, तो अभी क्या है कि उन लोग गाड़ी जब से टेंडर लिया तब से गाड़ी इधर ही खड़ा है। करीबन कितने दिन होगा? एक महीने से ऊपर ही हो गया, एक महीने से ऊपर गाड़ी यहीं परमानेंट है, इधर ही पार्किंग उसका परमिट, इतना बढ़िया पार्किंग दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी का, हम लोग को पार्किंग नहीं मिलता, लेकिन सब गाड़ी के लिए परमिट मिल जाता है, पार्किंग मिल जाता है। ये जगह बाई चांस अगर आपका गाड़ी खड़ा हो जाए तो एक 5 मिनट के लिए भी चलान मार देंगे ना, तो इनका गाड़ी अभी तक ये गाड़ी का एक महीने से चलान नहीं हुआ, ऐसी खड़ा रहता है। ये बताइए, तो मैं आखिरी में एक समस्या है हमारा जो नया से अभी स्टार्ट हुआ है, वो है हमारा गाड़ी का जो GPRS का जो है अभी नया से जो समस्या एक नया चालू हुआ है, क्यों बोलने से ये जो है GPRS जो है 10,500 रुपया में अभी GPRS नया से लगाने के लिए बोल रहे हैं, कि यहाँ पर बहुत सारे जगह में क्या है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसमें अभी कोई कंपनी से हमको लगाना है, और GPRS का रेट तो हमको लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा है, 4,000 से 4,500 तक होगा, ये 10,500 रुपया GPS क्यों लगाना है करके हमको समझ में नहीं आ रहा है। और GPS के साथ स्पीड गवर्नर भी है शायद? स्पीड गवर्नर तो हम लोग पहले लगाए हैं, इसके वजह से गाड़ियों में बहुत सारे इंजन्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये आप किसी से भी पूछने से आपको ये बता देगा, ये प्रॉब्लम अभी जब से लगाया है तब से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को, और GPRS का जो है अभी इसका जल्दी से जल्दी हम लोगों को क्या है ये के RTO में चेक करा सकते हैं। या सिर्फ मतलब आप लोगों के जो है मतलब टूरिस्ट गाड़ी के लिए है कि जी सिर्फ कमर्शियल गाड़ी के लिए है? अच्छा, ये तो पर्सनल गाड़ी में भी होना चाहिए, जैसा अभी ये सभी लोग ये बोलते हैं ना कि एक्सीडेंट हो जाता है कमर्शियल गाड़ी स्पीड जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए गाड़ी जो प्राइवेट अब जैसा अपना पर्सनल गाड़ी है अगर उनके लिए भी लगना चाहिए, क्योंकि गाड़ी भी तो अभी तो स्पीड जाता है, वो तो लागू कानून जो है सबके लिए होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि पर्सनली जो है कमर्शियल व्हीकल के लिए ही ज़रूरी है, ये पर्सनल गाड़ी में भी होता है, आजकल एक्सीडेंट होता है तो पर्सनल गाड़ी भी होता है ना, कमर्शियल गाड़ी अकेला नहीं होता है, तो ये सब समस्या है। तो लगाना है तो सबको GPRS सारे गाड़ी में लगना चाहिए,
कि खाली येलो बोर्ड में टूरिस्ट व्हीकल के लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे सब कुछ सारा सामान पुटअप कर करके हमारा स्पेस भी ज़्यादा हो गया है कि इतना जगह में कम स्पेस लग रहा है। सामने डैशबोर्ड में कभी GPRS लग गया, कभी स्पीड गवर्नर लग गया, अभी और क्या क्या उनमें लगवाना है कि पता नहीं। मतलब कहीं ना कहीं जो है आपकी जेब से ही पैसे खर्च हो रहे, ये लगाओ वो लगाओ, अभी अगला साल आएगा और कुछ लगाओ बोलेंगे लोग। हाँ, नया नया से अभी ये नया नया निकाल रहे हैं, ये लगाइए, कभी GPRS लगाइए, कभी स्पीड गवर्नर लगाइए, अभी और क्या क्या नया, अभी नंबर प्लेट का तो हुआ, इससे पहले तो कुछ ब्लू बर्ड का भी था शायद। हाँ, स्टिकर का, उसको हम लोग अभी वो ब्लू बर्ड लगा के कुछ आपको कुछ फायदा लगा कि आपका गाड़ी जो व्हाइट से ब्लू हुआ क्या? नहीं नहीं, ब्लू बर्ड का वो लगाने का कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि हमारा फुल व्हाइट कलर का गाड़ी है। कभी हम लोग ऑफिसर जैसा विजिट आता है तो उसमें व्हाइट गाड़ी पूछते हैं। तो में ये है कि आपकी गाड़ी का फिटनेस या इसमें जो है काफ़ी सारे दिक्कतें आती है, ये सब तो सही बात है लेकिन ये सब गलत भी है। वो सारा चीज़ एक साल में इंश्योरेंस बांध के, ये स्पीड गवर्नर लगा के, फिर से उसको रिन्यूअल कराने में बहुत सारे मनी प्रॉब्लम होगा इसमें। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ही बात बता दूँ, देखिए हर स्टेट का अलग अलग रूल है, हम सब मानते हैं, लेकिन हर स्टेट यूटी को हटाकर अंडमान निकोबार के लिए सबसे अलग रूल है, और ये चीज़ सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है सुनने में यह है और लोग भी कहते हैं कि दिल्ली का जो रूल होता है वो यहाँ पर लागू होता है, लेकिन दिल्ली में भी अभी तक ऐसा कुछ रूल हमने सुना नहीं है ना देखा है, लेकिन यहाँ का रूल सबसे अलग है। यहाँ जो भी IAS ऑफिसर आकर बैठेगा, भले वो 3 महीने के लिए बैठे या 2 महीने के लिए बैठे या 1 दिन के लिए बैठे, वो जो कह दिया बस वही होगा। बस आगे जो है जनता इसमें कमेंट करके बताएं कि आखिर इतने रूल एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर ही क्यों, हम लोग भी इंसान है, कोई मुजरिम नहीं है। बस इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहना चाहता हूँ अलविदा। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।